তমসোমাজ তীরগময়া। অহংকার অসফলতা কি জড় হ্যাঁ, ধর্ম বল বুদ্ধি ও ন্যায় কো নষ্ট কর দেতা হ্যাঁ। আর ইসিলিয়ে হাম লোগ কো সদগুরু কা আবশ্যকতা হ্যায়। नमस्कार, मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943। अभी मैं वरम बाबा आश्रम में हूँ बिलासपुर। मेरा सामने श्री श्री प्रेमदास जी महाराज बैठे हैं, आज भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज मेरा इच्छा है चर्चा करने का शुरुआत में मृत्यु भय क्या चीज़ होता है और मृत्यु का उपरांत क्या, तो इसके बारे में बाबा जी से सुनूंगा। चलिए बाबा जी के पास। बाबा जी आपको नमस्कार। ये मृत्यु भय और मृत्यु का उपरांत ये विचार जब आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए ना। आदमी का मृत्यु जो होता है, उसके बारे में है। और उसका भय, हाँ भय, उसके पहले भय, भय के बाद जब मृत्यु हो जाता है, होने के भय, मृत्यु तो निश्चित है। जो इस मृत्यु लोक में आया, इसमें नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ रह जाने के बाद ईश्वरीय जो संसारिक चीज माया है, उससे प्रीति लग गई। ईश्वर में प्रीति नहीं, संसारिक चीजों से प्रीति होगी। और प्रीति हो गई तो अपन ये सोचते हैं कि इसमें रहे रहे, जाने का नहीं है। और जाने का नाम होता है तब भय हो जाता है। तो मृत्यु को क्यों हम लोग डरे? हमारा कहना वही है, जब ये हमारा आना भी निश्चित है, जाना भी निश्चित है, तो जब निश्चित है फिर भी हम लोग मृत्यु से डर रहा है। मैं बहुत आदमी से बातचीत किया तो वो यही एक फीलिंग्स है, तो इसीलिए आज आपको मैं ये पूछना चाहा। निश्चित है, है निश्चित है, ठीक। ये चीज को तो भूल गया, वो अपने कार्यक्रम में लग गया। अब उसको ये कहता है कि तुम मरोगे, तो उसको बहुत भय हो जाता है। क्यों? जानते हुए भी अनजान हो गया। मृत्यु निश्चित है तो जानता है, लेकिन न मरूं यहां रहे रहूं इसके लिए वो प्रयत्नशील है। विधान के अलग अब उसको कोई कह देता है कि मरना है या आ जाता है, तो उसको इसको छोड़ने में भारी कष्ट होता है। अब हमें सब चीज किया, अब इसको छोड़ के जाएंगे। सही बात। ये जो चीज है इससे उसकी प्रीति लग गई, आकर्षण हो गया। ये आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा और उसका प्राण पहले जा रहा है, तो इसीलिए कहते हैं जनमत मरत दुसह दुख होई। मरते समय भी बहुत दुख होता है, अजन्म के समय भी बहुत दुख होता है। गोस्वामी जी का शब्द है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, सहने से ज्यादा कष्ट होता है। पर अवस्था ऐसी रहती है कि वो बता नहीं पाता है। जन्म लेता है तो बोल पाएगा नहीं, वो बता पाएगा नहीं, वो दुख को सह लेता है। सहता क्या, उसको तो सहनी पड़े। अब मरता है उस समय बाकी बंद हो जाता है,
है, एकदम सही बोला। किसी को बता नहीं पाता कि मेरे को ये कष्ट है, आय बाय करके चला जाता है। दो समय ईश्वरीय एक संविधान है कि वो अपना चला जाए। हम आप कहते हैं कि वो चटपट चला गया, दिखा चटपट लेकिन कष्ट में ही गया है। बिना कष्ट से नहीं जाएगा, क्यों? गोस्वामी जी का शब्द है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मत मरत मरत, जन्म लेने और मरने दोनों में बड़ा भारी कष्ट होता है। आज दोनों अवस्था ऐसी है कि बता नहीं पाता। अच्छा, असहनीय कष्ट हुआ चला। भय ये सांसारिक से प्रीति हो गई है, ये सब चीजों से आध्यात्मिक भावना से बाहर जो चीज है। हाँ, अब इनको कहते हैं मेरे ही है, अब मेरा है तो छोड़ने में और ज्यादा कष्ट है। एक बाई थी, अपने पति से बहुत प्रेम कर रही, ऐसा प्रेम कर रही थी कि उसके भोजन कराए बिना वो भोजन नहीं करती, चाहे दिन भर नहीं आता, शाम को आता तो शाम को भोजन करती। इतनी प्रीति, इतना लगन से उसके साथ उस समय बीत रहा, अचानक वो गुजर गया। गुजर गया तो अब सामाजिक क्रिया तो लोग करेंगे, सब समाज जुड़ गए, अरे गुजर गए सब, उनके दाह संस्कार करने के लिए। तो उसके बाद ढेकी था धान कूटने का। अच्छा, पहले पैर से कूटते थे ना, ऐसा ढेकी ढेकी, हाँ हाँ, वो ढेकी था। वही अचानक दरवाजे वही पर बैठी थी वो, रो रही थी, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, मैं कैसे रहूंगा, मेरे को छोड़ के चल दिए, मेरे को ले क्यों नहीं गए, मेरे साथ में आप क्यों नहीं गए, आप हमको सब जगह साथ में रखते थे, यहाँ पर हमको छोड़ दिए, किसके लिए छोड़ दिए, किसके से देख के रहूंगा, ऐसा कर कर के खूब फूट फूट के रो रही थी। और ग्रामीण लोग महिलाएं उसको पकड़ पकड़ के संभाल रहे थे, और आदमी लकड़ी वगैरह का व्यवस्था कर रहा है ले जाने के लिए मशान में। तो देखा सब लकड़ी तो गीला है, ये ढेकी जो है यही सूखा है, तो ऐसा करो ढेकी के अगल बगल में भी मोटा मोटा दो ठो लकड़ी रहता है दोनों साइड में, दो साइड में, और ढेकी है, इससे काम चल जाएगा मिला जुला। किसी ने सलाह दिया उखड़े कर लो, और वो रो रही है और ढेकी को सुने ले जा रही है, तो उसको रोते रोते कबिया ली है ढेकी को, ढेकी को एक हाथ से कबियाई है, राजा हो राजा रहत। अब माई डाई ओसो वो लकड़ी उठा रहा है तो लड़े, ये ढेकी को नहीं ले जाने देना चाह रही है, बोलते नहीं है लेकिन कबिया ली है। अब वो बगल के लकड़ी उखाड़ना चाहता है तो उसको कबिया ली, इसको कबिया ली, उठ उठ के दोनों तरफ कर रही है। अब ढेकी को भी कबिया ही है, लकड़ी से को भी कबिया ही, ले जाने नहीं देगा, नहीं दिया जाने के। लोगों ने बोला अरे ढेकी नहीं देगी जाने के लिए, छोड़ दो क्या करी। और वो जो गुजर गया उस पर तो प्रीति है, रो रही है, और उसी के काम के लिए वो ढेकी जा रहा है तो नहीं जाने दिया। आसक्ति है, आसक्ति मोह है,
मोह है। मोह मोह के कारण भय से प्रीति है, मृत्यु से प्रीति है, इसीलिए भय होता है। भले कह दे कि 2 महीने बाद जाएगा तो 2 महीने के लिए धीरज हो जाएगा, लेकिन यह मत बोले कि कल चला जाएगा या आज चला जाएगा, कोई बोल नहीं सकता। हाँ ऐसा बोल दोगे तो अब ये मर जाओ। मर गया मैंने, मत बोलो ऐसा अशुभ चीज, मत बोलो ये अशुभ चीज है। मैंने अशुभ चीज को जल्दी बोला नहीं जाता है। हाँ मत बोलो कि मर जाएगा कल, इतना और मर जाएगा वो तो बोल रहा है, क्या नहीं बोलेगा तो भी मर जाएगा, मरना निश्चित है। अब भाई इसीलिए हो रहा है बाबा जी, आपको चर्चा में अभी आप बताया मैं, ये मैं से मुक्ति कैसे मिलेगा? हर चीज में मैं करते जाऊं तो मैं जो एक शब्द जो है कभी कभी सताता है को। मैं दोनों शब्द में आता है, अहंकार में भी आता है और प्रेम में भी आता है। तो जो अहंकार वाला मैं है उससे मुक्ति कैसे? हाँ उससे मुक्ति क्या है, हरि भजन की शरणागति आ जाओ, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु जी बोलेंगे इसको छोड़ो, अभ्यास करना पड़ेगा, सारे चीज अभ्यास खत्म हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, उसका कमजोर हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, सब जो है एक आस्तिक एक नास्तिक, दो ही में सब जुड़ा हुआ है। ये से सब चलेगा, सृष्टि का जितना कार्यक्रम, जैसे एक व्यक्ति है जो विनाशकारी, उसको विनाशकारी की तरफ गति हो गया, वो जिसको भी उजाड़ देता है, जिसको भी छीन लेता है, जिसको भी झपट लेता है, जिसका भी धोखा दे देता है, जिसको भी गोली दिखा के भय पैदा करके उसकी संपत्ति को हड़प लेता है, वही व्यक्ति धर्मार्थ या इसमें आ जाए तो वो व्यक्ति किसी की सेवा कर सकता है, किसी को घर बनवा दे सकता है, किसी को सहयोग कर देता है, किसी को कुछ करता है, देखिए स्वरूप बदल जाएगा जो सही बात, स्वरूप है या कई चीज, स्वरूप बदल जाएगा अलग अलग और कार्य भी बदल जाएगा, इसको सात्विक और आध्यात्मिक कह देंगे, उसको नास्तिक और दुराचारी कह देंगे। सुनिए हमारे यहाँ गुरु लोगों का कहना है, सज्जनों को कहना है, एक भय भी दिखाना है कि देखो जैसा करोगे वैसा पाओ, तो जब गर्म अच्छा करने से अच्छा पाओगे तो मौका है अच्छे ही कर लो, बुरा को त्याग, बुरे तरफ ध्यान मत दो। मान लो आपने किसी को 2 झापड़ मारा है, 2 थाली भोजन भी देते हैं उसको, अब वस्त्र भी देते हैं, उसकी सेवा भी मतलब जो जरूरत है देते हैं, तो उसके मार का चोट नहीं लगेगा, वो चोट नहीं लगेगा कि हमको 2 झापड़ मारा है, लेकिन आप कुछ नहीं देते हैं और 2 झापड़ नहीं 1 झापड़ मार दिए हैं तो भाव में उसको जीवन भर वो झापड़ भूलेगा नहीं, वो घाव नहीं भरेगा, जब देखेगा तो याद रहेगा। और अहंकारी दुराचारी में गिनती कर दिया, ये अहंकारी है दुराचारी है, मार देता है, झपट लेता है, ले लेता है, कई व्यक्ति है। बाबा जी आप लास्ट जो आपसे बातचीत हो रहा था उस टाइम आप बताए थे ये पानी पियो छान के
गुरु को जानो जान के। तो ये बोलने के बाद, मैंने ये देखने के बाद बहुत सारा जो हमारा का सवाल उठाया है, आप अगर परमिशन देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बोल रहा है तब गुरु, साधारण आदमी गुरु को कैसे पहचानेगा? तो पानी पियो छान के हो गया, गुरु जानो पहचान के। इतना बड़ा मैंने चीज को एक साधारण भक्त बोलिए बस, साधारण लोग बोलिए गुरु जी, उनको गुरुदेव को पहचानेगा कैसे? बोले से पहचानेगा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। एक लड़की है और अनजान है, शादीशुदा नहीं है, लेकिन आप उसके पास बैठी है, कोई लड़का बैठे, उसको नजर से उसको शक हो जाएगा कि ये हमको कुदृष्टि देख रहा है, अनजान से पकड़ लेगा। और उसी जगह एक उसको प्रेम और भाव माने भावना से देखे, ऊंचा बेटी और बहन, वो समझ जाएगी कि इससे हमको भय नहीं। अब बताइए उसको कौन बता रहा है? आपके चेहरा, आपके भाव, आपके लगन से पकड़ लेगा कि इसका इस तरह का दृष्टिकोण गलत है। बिल्ली, बच्चू, पक्षी भी आपको पकड़ लेता है। एकदम सही बोला। वो आपके पास आएगा नहीं, आ भी जाएगा तो वो आपके लक्षण से दूर भगेगा, और एक आ जाएगा तो आपके पास बैठेगा, उसको भय नहीं है। एकदम सही। आप लाठी से न मारो उसको, वो पैर हाथ छिटका देगा, भगेगा, आपको लाठी उठा नहीं सकोगे। एकदम उसका भाव देख, जैसे ये बैठा है कुक, उसको विश्वास है कि मेरा है, मेरे को नहीं मारेगा, मेरे को भूत दे देता है बैठा दे। वो भाव से समझ रहा है। अब हम डंडा भी उठाएंगे ना तो वो ऐसे कर ले, लो मारो। और भाव और भक्ति से आया होगा तो रखियो ताहि प्राण की नाई। अपने भाई से बिछोड़ कर मेरे पास आया, मेरे को अपना समझ के आया है, तो मैं इसको प्राण के जैसा रखूंगा। मम प्रण प्रतिज्ञा मेरा ऐसा सुनकर सब कोई चुप हो गए। हनुमान जी खुश हो गए। और एक छोटा सा सवाल बस, बाबा जी श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों बोला जा रहा है? हमारा शिव जी है और सारा सब मैंने एचओडी लेवल का हमारा भगवान है, श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों बोला जा रहा है? राम जी इसमें आए थे ना, मनुष्य अवतार लिए थे, मनुष्य अवतार लिए थे। अच्छा, राम जी दशरथ जी के घर में जन्म लिए और मनुष्य का स्वरूप में पूजा हुई, मैंने मनुष्य शरीर में सब हुआ, जितनी लीलाएं हुई उनके मनुष्य के रूप में हुआ है, देवता के रूप में नहीं हुआ, मनुष्य के रूप लड़े हैं, खे हुए हैं, सारे कार्यक्रम हुआ है, पिता पुत्र माँ बेटे का संबंध हुआ है, राज्य भी किए हैं। 11,000 वर्ष राम जी पृथ्वी पर 11,000 वर्ष रहे। त्रेता युग में? कौन युग में? त्रेता, त्रेता में राम जी 11,000 वर्ष यहाँ पर मनुष्य रूप में रहे। मनुष्य रूप में रहे, मनुष्यों में सर्वोत्तम जो होता पुरुषोत्तम, उस आदर्श और मर्यादा को पालन करते हुए रहे।
इसलिए पुरुषोत्तम कहते। मनुष्यों में जो पुरुषों में जो माने जितना गुण रहना चाहिए सब गुण और उससे भी सर्वोच्च गुण सर्वोच्च वैसा गुण है किसी के पास नहीं है न वैसा रूप होगा किसी के पास। इसलिए सर्वोत्तम कह दिया मैंने इससे ऊपर में अब नहीं है सबसे ऊपर गुण जो है वो उनमें था इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं पुरुष में सबसे मर्यादा शिष्टाचार व्यवहार सारे चीज दया माया करुणा सारे चीज भरा पड़ा था। वीर वीरता के जगह में भी वीर वीर भी थे करुणा के जगह में करुणा थे दयालु के जगह में दयालु थे। शिवरी आए तो साधारण भाव में जो दिया पाए हैं उनका मर्यादा की सुग्रीव के पास गए हैं तो मित्रता का व्यवहार पालन किए सुग्रीव को बोल दिए कि आप मित्र हैं मित्र को दुख को देखकर दुखी होना चाहिए आपका दुख है तो मैं दुखी हूँ और आपको सहायता करूँ। सुग्रीव करे या न करे वो उनने किया बोले मेरा सबसे बड़ा भय और डर है बोले वो डर भय हटा देते बोले वो महाबली है उसका साधारण चीज बोले फूल तो सुग्रीव जी को अंदाज था एक सांप पेड़ था सात एक दो तीन चार पांच सात इसको जो एक ही बाण में मार देगा या एक बार में गिरा देगा सातों को वही बाली को खर सकते राम एक ही बाण में सातों को गिरा दे। अच्छा ये जानकारी में नहीं था। अच्छा बाली को बहुत करने के लिए एक आवाज था जी सात झाड़ को जो एक साथ में एक बांध में गिराएगा वही बहुत कर सकता है। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया हाँ ये शक्तिशाली है। सुग्रीव माया से उनको प्रीति करने लगता लेकिन भगवान उसको किसी भी स्वाद से प्रीति नहीं की वो वचन जो दे दिए उसको निभाया वचन को निभाया राम जी विभीषण को आते ही तिलक साल किए लोगों ने बोला नहीं जान न जाय निशाचर माया काम रूप के कारण आया ये रावण का भाई है और रावण से युद्ध होने वाला है और वो हमारे साथ गलत किया है रावण सब सेना लोग उनको सलाह दे रहे हैं भगवान को मेरा मत कहता है कि न जाने ये निशाचरी लोग कई माया करके हमसे भेद लेने आया हो हमारी सेनाओं का भेद उठन बैठन का भेद CID जिसको कर तो नुकसान होगा इसलिए मन कहता है इसको बांध के रखा जाए। राम जी बोले ठीक बोल लेकिन मेरा यह है मम मन मेरा प्रतिज्ञा है आए शरण तजव नहीं ताहो जो शरण में आ गया है उसको नहीं त्याग आगे अपने कर्मों से ही अपने आप आगे बढ़ेगा ज्यादा स्नेह प्राप्त करेगा कम करेगा जो भी होगा वो करेगा लेकिन हमारे शरण में आ गया है तो त्यागना नहीं। अनजान आदमी आएगा कोई आएगा और डंडा नहीं ललकारे देगा तो भग जाएगा
तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानता है तो मनुष्य को क्या पूछते हो, को कैसे नहीं जानेगा। अगर एक जानवर का उसका भाव से पता चल रहा है, मनुष्य तो और उच्च स्तर का है, वो तो और जल्दी पकड़ेगा। कोई भी है नजर से पहचान लेगा, नजर देखने से पहचान लेगा कि ये कैसा देख रहा है, ज्यादा ना पहचाने लेकिन कुछ चार आठ आठ वो भाग ही जाएगा, धारणा तो कर लेगा, कर लेगा। तो इसी तरह पहचानोगे, इसी तरह जानोगे गुरु कैसे है। पानी पियोगे जैसा भी पानी हो, कपड़े से छान लो, कपड़े छान कर लो, तो जितने भी विकार होंगे बाहरी, पूरा नहीं तो बहुत कुछ विकार खत्म हो जाएंगे ना मोटा मोटा। तो पानी इसीलिए कहावत में आया है, पुराने हमारे मनुष्यों ने बोले हैं कि गुरु करो जान के अब पानी पियो छान के। आज जो गुरु कर रहे हैं देखा देखी कर, देखा देखी मतलब प्रवचन दे रहे हैं। ओ अच्छा, विश्वास कर रहे हैं गुरु तब मैं भी बन रहा हूँ गुरु, वो भी चेला बन जाता, वो बन जाता, वो मैं तुम्हें सबको चेला बना लिया, अब हो गए चेला 500 चेला एक साथ में हो गए, कहाँ पहचान पाए गुरु न चेला, मुलाकाते नहीं है, भाव नहीं है, समझ नहीं। चढ़ावा आया बस उसी से मतलब है, चढ़ावे से लेन देन है। अब वो जान गया कि मेरे गुरु हैं, अब गुरु में क्या ज्ञान है क्या तत्व है, नहीं गुरु जी हैं, बस इसी नाम को पालन करते जाता है। साल में एक बार भी मुलाकात हो और ना हो, दो साल में मुलाकात हो कि ना हो, उनका तो प्रोग्राम जगह जगह चल रहा है, ऐसा कहते रहेगा। अरे गुरु जी के, हमारे गुरु जी के बहुत लंबा, शादी हो गई, लड़की बेंगलोर में है और लड़का चला गया दिल्ली, अभी दोनों को छुट्टी होगा तो मुलाकात होगी, होगी नहीं दोनों अलग है, लेकिन शादी शुदा दोनों का, वो पत्नी है ये पति, बर्तमान समाज व्यवस्था में मानना पड़ता है, क्या करें, रास्ता भी तो नहीं है। अब मानना पड़ता है ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन वो तो अलग चीज है, ऐसी तो है नहीं पत्नी है। मैं भरम बाबा आश्रम में था, बाबा जी के साथ आलापचारिता हो रहा था, आध्यात्मिक आलापचारिता हो रहा था। मैं अभी इसका बाबा जी का वाक्य को विराम देने का अनुरोध करूंगा, इसके बाद अब फिर आप लोग के पास वापस आऊंगा और कई दिन और कई नौ अध्यात्मिक भावना लेके। नमस्कार।